हम एक सीरीज में केमिकल पेस्ट कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं और अब तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, स्पेसिफिक टर्म्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे फॉर्मुलेशन कहा जाता है, एडिटिव्स, इन सब के बारे में स्टडी किया है। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का जो आधार है वो मेनली तीन आधार हम लेते हैं। फर्स्ट, मोड ऑफ एंट्री के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं, स्टमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन और फ्यूमिगेंट्स। मोड ऑफ एक्शन के आधार पर हम इन्हें प्रोटोप्लाज्मिक, रेस्पिरेटरी और नर्व पॉइजन में क्लासिफाई करते हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर ये दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। पहले दो जो आधार हैं, मोड ऑफ एंट्री के आधार पर और मोड ऑफ एक्शन के आधार पर, इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे जो स्टमक पॉइजन्स हैं वही कॉन्टैक्ट पॉइजन भी होते हैं कई बार, और जो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स हैं वही नर्व पॉइजन भी होते हैं। तो ये खामियां केमिकल नेचर के आधार पर हम जब क्लासिफाई करते हैं इंसेक्टिसाइड को, तो उसमें हम ये खामियां नहीं पाते और हम उसको इसीलिए हम उसे प्रेफर करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए इंसेक्टिसाइड के। तो केमिकल नेचर के आधार पर इंसेक्टिसाइड दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मुख्य रूप से तीन ग्रुप्स में रहते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स, नंबर दो फ्लोराइड्स, नंबर तीन सल्फर और नंबर चार मिसेलेनियस केमिकल्स। वो इंसेक्टिसाइड है जो कुछ खास प्रिपरेशन के साथ कुछ खास इंसेक्ट के लिए पर्टिकुलरली छोटे से ग्रुप में यूज़ किए जाते हैं, तो कंबाइंडली हम उन्हें एक अलग समूह में रखते हैं जिनको हम कहते हैं मिसेलेनियस केमिकल्स। इंसेक्टिसाइड को स्टडी करने से पहले हम एक खास टर्म को देखेंगे, क्योंकि हम इंसेक्टिसाइड्स के लिए जो मेजरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम उसको बार बार यूज़ करेंगे। हम कहते हैं मीडियन लीथल डोज, LD50 इसको कहा जाता है। मीडियन लीथल डोज इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका वो मिनिमम अमाउंट होता है जो टेस्ट एनिमल के ऊपर जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी 50% पॉपुलेशन को किल करने के लिए सफिशिएंट होता है। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इंसेक्टिसाइड की हम कहते हैं मीडियन लीथल डोज। इंसेक्टिसाइड्स के अलावा जो दूसरे पेस्ट हैं, जैसे रैट और कुछ निमेटोड्स हैं, उन सब के लिए भी LD50 डोज मेजर की जाती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो जो इंसेक्टिसाइड के लिए हम इस क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो हम इसको माइक्रोग्राम पर ग्राम में नोट करते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए हम इसको मिलीग्राम पर किलोग्राम में मापते हैं। आर्सेनिक कंपाउंड्स और आर्सेनेट्स या आर्सेनिकल्स जो मेन ग्रुप है इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स का, उसमें दो रूप में ये रहते हैं, आर्सेनाइट्स और आर्सेनेट्स। जो आर्सेनाइट्स हैं वो डेराइव्ड होते हैं आर्सेनियस एसिड से और आर्सेनेट्स डेराइव्ड होते हैं आर्सेनिक एसिड से। आर्सेनाइट्स ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आर्सेनेट्स और आर्सेनाइट्स दोनों इंटरकन्वर्टेबल होते हैं लिविंग सिस्टम में और दोनों बराबर इफेक्टिव होते हैं। और कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि आर्सेनेट्स आर्सेनाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब जब इनका रिडक्शन होता है और फिर ये टॉक्सिकेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं। जो मेन ग्रुप आर्सेनेट्स का है वो है लेड आर्सेनेट। लेड आर्सेनेट दो रूपों में पाए जाते हैं,
एसिड लेड आर्सेनेट और बेसिक लेड आर्सेनेट। जो एसिड लेड आर्सेनेट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मतलब पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, लेकिन वो फाइटोटॉक्सिक भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उनकी फाइटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है तो जो कॉमर्शियली बेनिफिशियल प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर हम इनको यूज़ नहीं करते, और ज़्यादातर इनको फॉरेस्ट में, शेड ट्रीज में और शर्ब्स में, वहाँ पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बेसिक लेड आर्सेनेट है उसको, ये एक मिक्सचर है आर्सेनिक कंपाउंड का, ज़्यादा स्टेबल होता है एसिड लेड आर्सेनेट की तुलना में, लेस फाइटोटॉक्सिक होता है और इंसेक्ट के लिए भी लेस टॉक्सिक होता है। ज़्यादा अमाउंट में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, और ये थोड़ा इफ़ेक्ट डालने के लिए, जब प्रभावित करने के लिए इंसेक्ट को, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन कंपैरेटिवली, क्योंकि एसिड लेड आर्सेनेट से ये कम फाइटोटॉक्सिक है, तो हम इनका ज़्यादा जनरल यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली एसिड लेड आर्सेनेट के। लेड आर्सेनेट जो डिस्कवर्ड हुए थे वो 1892 में 1892 में यूएसए में डिस्कवर्ड हुए। डिस्कवर्ड होने से मतलब लेड आर्सेनेट तो पहले ही डिस्कवर्ड हो गए होंगे, यहाँ डिस्कवरी से हमारा मतलब है कि उनकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी कब हमारे सामने आई। जो दूसरा ग्रुप है आर्सेनिक कंपाउंड्स का, वो है कैल्शियम आर्सेनेट्स। ये 1920 में डिस्कवर्ड हुए थे, और कैल्शियम आर्सेनेट्स भी लेड आर्सेनेट की तरह दो प्रकार के होते हैं, एसिड कैल्शियम आर्सेनेट्स और बेसिक ट्राई कैल्शियम आर्सेनेट्स। ये दोनों जो आर्सेनेट्स के रूप हैं, ये दोनों चीप हैं, लेड आर्सेनेट की तुलना में ये सस्ते हैं और फाइन है, बेटर स्प्रेड होता है, इंसेक्ट्स के लिए ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन इनकी फाइटोटॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि फाइटोटॉक्सिसिटी लेड आर्सेनेट से ज़्यादा है इनकी, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है जिसके लिए हम इनको जनरल यूज़ नहीं कर सकते। ये एक वाइट फ्लफी पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है कैल्शियम आर्सेनेट्स। इसकी मीडियम लीथल डोज जो है वो LD50, ये पियरिस रेप पर है, ये इंसेक्ट है, और इसकी क्वांटिटी है 740 माइक्रोग्राम पर ग्राम। जो दूसरे आर्सेनेट्स हैं उसमें सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज आर्सेनेट्स और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड्स एंड आर्सेनियस ऑक्साइड्स हैं। ये चीप हैं, सस्ते हैं, लेकिन वही है कि इनकी फाइटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम लिमिटेड यूज़ करते हैं। तो हम इनको जनरली क्या करते हैं, पॉइजन बेड्स में यूज़ करते हैं, आंट्स के लिए, आर्मी वॉर्म्स के लिए, कॉकरोचेस के लिए और ग्रास हॉपर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तीसरा ग्रुप जो आर्सेनेट्स का है वो है कॉपर एसिटो आर्सेनेट। ये 1865 में इसको फर्स्ट टाइम यूएसए में यूज़ किया गया स्टमक पॉइजन के रूप में, कोलोरेडो पोटैटो बीटल के लिए। लेकिन ये महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं ये, और बर्न कर देते हैं फोलियज को, क्योंकि ये मोर फाइटोटॉक्सिक है, इसीलिए इनका भी बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है। और जनरली जो मॉस्किटोज होते हैं उनके लार्वा को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और जो इनका जो कॉमन एक फॉर्म है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्स वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बॉर्डेक्स मिक्सचर, उसमें ये मिक्स किया जाता है, बॉर्डेक्स मिक्सचर में उसका एक कंटेंट ये होता है। दूसरा एक बड़ा ग्रुप जो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स का है वो है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स को आर्सेनेट्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में डेवलप किया गया था। ये बहुत ही हाईली एक्टिव हैं, और जो इनका रेजिड्यूज़ है वो नहीं छोड़ते ये ज़्यादा क्रॉप के ऊपर आर्सेनेट्स
के तुलना में। इसमें जो मेन ग्रुप है वो है सोडियम फ्लोराइड, ये 1915 में डिस्कवर्ड हुआ था। इसका जो प्योर मिक्सचर होता है वो वाइट पाउडर होता है, लेकिन जो इसकी टेक्निकल और कमर्शियल फॉर्म में जब ये मिलता है तो इसको ग्रीन कलर दे दिया जाता है, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे फ्लोर और इंसेक्टिसाइड के बीच में और किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट ना हो। पर्टिकुलरली इनको एक्टोपैरासाइट्स, जो चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट वाले इंसेक्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, पोल्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, और बैट्स में हम इनको कॉकरेचेस के लिए और आंट्स के लिए यूज़ करते हैं। वार्म ब्लडेड के लिए, एनिमल्स के लिए ये भी टॉक्सिक है, और स्किन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज करता है। इसकी जो मीडियम लीथल डोज है वो बॉम्बिक्स मोराई के लिए 100 to 150 माइक्रोग्राम पर ग्राम है। दूसरे जो फ्लोराइड्स हैं उसमें सोडियम फ्लोसिलिकेट्स हैं, ये वाइट कलर का ओडोरलेस और ग्रेन्यूलर पाउडर है, जो जनरली वाइडली यूज़ किया जाता है पॉइजन बैट्स में, ग्रास हॉपर्स के लिए, क्रिकेट्स के लिए, कटवर्म और वीवल्स के लिए। इसका एक सैचुरेटेड वाटर सॉल्यूशन तैयार करके हम वूलन क्लॉथ्स में मोथ प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सोडियम फ्लोराइड की तुलना में कंपैरेटिवली कम इफ़ेक्टिव है और फाइटोटॉक्सिक है। इसकी जो मीडियम लीथल डोज है वो बॉम्बिक्स मोराई के लिए 110 से 150 माइक्रोग्राम पर ग्राम। थर्ड, क्रायोलाइट्स और सोडियम फ्लो एल्यूमिनेट्स हैं, ये वाइट क्रिस्टल के रूप में हमें मिलते हैं, और 1929 में इंसेक्टिसाइड के रूप में इनकी जो नेचर है उसका पता चला। इट इज़ फाउंड नेचुरली एज ए मिनरल इन द ग्रीनलैंड एंड इज़ मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिकली। ग्रीनलैंड में ये नेचुरल मिनरल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनको सिंथेटिकली भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। चेविंग जो इंसेक्ट्स हैं, चेविंग लाइस और कोडलिंग मॉथ्स ऑफ एप्पल, पंपकिन बीटल, ब्लिस्टर बीटल्स, इनके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। और इसका LD50 डोज बॉम्बिक्स मोराई के लिए है 60 माइक्रोग्राम पर ग्राम। तीसरे जो महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें सल्फर ग्रुप आता है। सल्फर एक ऐसा केवल और केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसको डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको हम डस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, माइट्स को, थ्रिप्स को, फंगस को कंट्रोल करने के लिए। वेटिंग एजेंट यूज़ करने के बाद में जो सल्फर है उसको स्प्रे के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। इसका फॉर्मुलेशन हो जाता है, फॉर्मुलेटेड फॉर्म है इसका, और फिर हम उसको वेटिंग एजेंट के साथ फॉर्मुलेट करके स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सल्फर ग्रुप का ही जो दूसरा इंसेक्टिसाइड है उसमें लाइम सल्फर वाश या लिक्विड लाइम सल्फर भी यूज़ किया जाता है। उसको प्रिपेयर किया जाता है बॉयल करके, सल्फर को हम बॉयल करते हैं, उसके लगभग आधी क्वांटिटी में फ्लैशी स्लैग्ड लाइम के साथ उसको हम पेस्ट बनाते हैं। दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाई बॉयलिंग 100 lb ऑफ सल्फर एंड 50 lb ऑफ फ्रेशली स्लैग्ड और हाइड्रेटेड लाइम टू गिव ए पेस्ट। यहाँ lb जो हम कंटेंट काम में, मतलब जो एक मात्रक काम में ले रहे हैं, मतलब पॉन्ड से यहाँ उसका संबंध है। द पेस्ट इज देन डाइल्यूटेड एंड यूज एज स्प्रे। द एक्टिव इन्ग्रेडियंट सीम्स टू बी कैल्शियम सल्फाइड्स। द वाश इज यूज एज फंजीसाइड अगेंस्ट स्केल इंसेक्ट्स, एफिड्स, माइट्स। इसको हम मिक्स करके एक स्टेबलाइजर के साथ में
एंड एवोपरेटेड टू ड्राइनेस टू फॉर्म ड्राई लाइम सल्फर विद विच इज इजियर टू हैंडल बट लेस इफेक्टिव देन इट्स लिक्विड फॉर्म। तो हम इसको लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसका स्टेबलाइजर के साथ यूज़ करके हम इसके जो टॉक्सिसिटी है या उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाकर और जो ड्राइनेस ड्राई फॉर्म में ड्राई लाइम सल्फर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म है इसका जो स्प्रे है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव होता है ड्राई फॉर्म के। जो मिसेलेनियस कंपाउंड्स हैं इन तीनों मेन ग्रुप्स के अलावा उनमें बॉर्डेक्स मिक्सचर और बॉर्डिक्स, इसको हम बॉर्डो भी कहते हैं, ये 1882 में डिस्कवर किया गया, जिसमें मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट लाइम और वाटर का। इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो कॉपर सल्फेट 6 LB, लाइम 10 LB और 100 LB वाटर का मिक्सचर हम बनाते हैं, और इसको जनरली यूज़ किया जाता है फंजीसाइड के रूप में, लेकिन इसको हम रिपेलेंट के फॉर्म में एज इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं कुकुम्बर बीटल और लीफ हॉपर्स के लिए। दूसरा मिसेलेनियस कंपाउंड में आता है सोडियम सेलेनेट। सोडियम सेलेनेट यूज़ किया जाता है सॉइल में और ये एक सिस्टमिक पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है, और एफिड्स और माइड्स को जनरली इससे कंट्रोल किया जाता है। तीसरा जो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है वो है मरकरी कंपाउंड। मरकरी कंपाउंड दोनों फॉर्म में, जैसे मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक क्लोराइड, दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। जो रूट इन्फेस्टिंग इंसेक्ट होते हैं उनको, कैबेज और ऑनियन मैगेट्स को यूज़ कंट्रोल करने के लिए। जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है वो बुक बाइंडिंग में भी यूज़ किया जाता है, कि जो आंट्स हैं, कॉकरोचेज हैं, टर्माइट्स हैं, उनको रिपेल किया जा सके, कोटिंग इसकी की जाती है बुक बाइंडिंग में। दोनों ही जो कंपाउंड हैं मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, ये मैमल्स के लिए दोनों डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, इसलिए इनको हमको बहुत सेफ यूज़ करना होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस को हम यूज़ करते हैं एज इंसेक्टिसाइड, येलो और वाइट इनको हम मिक्स करते हैं स्वीट सिरप के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइजन बैट बन जाता है कॉकरोचेज के लिए, रैट्स के लिए, माइस के लिए। लेकिन फॉस्फोरस जैसा हम जानते हैं हाईली टॉक्सिक है और इन्फ्लेमेबल भी होता है ये, इसलिए हम इसको बहुत ही जिस केयर के साथ हैंडल करना होता है और बहुत ही सुरक्षा की ज़रूरत होती है, समझदारी की, सावधानी की ज़रूरत होती है। देन थैलियम सल्फेट, थैलियम सल्फेट भी एक स्वीट सब्सटेंस के साथ मिलकर हम पॉइजन बैट के रूप में आंट्स के लिए यूज़ करते हैं। बोरेक्स और सोडियम टेट्राबोरेट, ये मैगेट्स को, जो हाउस फ्लाई है उसके मैगेट्स को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और मॉस्किटोज को हम समाप्त करने के लिए ऐसे पानी में इनको यूज़ कर सकते हैं जो पीने के काम में ना लिया जाता हो, तो वहाँ पर हम जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको रोक सकते हैं। बोरिक एसिड जो है इसका ही एक रूप है, उसको हम कॉकरोच बैट के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में जो इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड एक ये गुड पॉइजन बैट होता है हाउस फ्लाइज के लिए। तो इस प्रकार हमने देखे इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। थैंक यू।